नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई क्रिएटिनिन लेवल का प्रॉब्लम और इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों क्रिएटिन हमारे बॉडी में एक वेस्ट चीज़ें होता है जो हमारा किडनी उसको रिफाइन करके बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन अगर किसी वजह से किडनी ठीक से फंक्शन आपका नहीं कर रहा है तो ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल हाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एंड इसके साथ साथ देखा जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा हेजीनेस फील करता है, बॉडी के बहुत सारे जगह फूल जाता है, खास करके पैर और हाथ बिल्कुल फूल जाता है, उनको हर एक हड्डी के जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, बहुत थ्रस्टी भी हो सकता है कभी कभी पेशेंट, ये सब सिम्टम्स दिखता है। और किसी किसी पेशेंट में कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखता, अचानक ब्लड टेस्ट करवाया और पता चला कि क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो उनके लिए मैं आज कुछ मेडिसिन बताऊँगा, आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि डॉक्टर उनको डायलिसिस के लिए भी बोल दिया, उनके लिए भी मेडिसिन बताऊंगा यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों हमारा पहला मेडिसिन है ओपीएम। जैसे मैंने बोला जिनको डॉक्टर ने बोल दिया आपको डायलिसिस अभी करना है, उनके लिए ओपीएम बहुत अच्छा काम करेगा। ये मेडिसिन आप ले सकते हो 200 पोटेंशियल में 2 ड्रॉप डायरेक्ट टांग या तो पानी में मिलाकर पी सकते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इसको 3-4 दिन 5 दिन कंटिन्यू करिए, देखिए आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और किसी किसी पेशेंट में ऐसा देखा गया क्योंकि उनको डायलिसिस करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन डॉक्टर आपको जैसे बोल रहा है आप वो रूटीन फॉलो करिए, उसके साथ साथ ओपीएम 200 cc पोटेंशियल 2 ड्रॉप डायरेक्ट टांग पे लीजिए या तो पानी मिला के दिन में एक बार पिए, देखिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है सीरम एंगुला। ये मेडिसिन उन पेशेंट में बहुत अच्छा काम करेगा जिनका क्रिएटिनिन लेवल हाई होने के साथ साथ प्रसाव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हाथ पैर बिल्कुल फूल जाता है, उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगा। इसका 30 पोटेंशियल में 2 ड्रॉप आप टांग इसका 30 पोटेंशियल में 2-2 ड्रॉप आप टांग पे ले सकते हो या तो पानी मिलाकर आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हो, आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। आप दोस्तों आते हैं उन पेशेंट में जिनको क्रिएटिनिन लेवल हाई होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेजीनेस फील होता है और साथ में थ्रस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, पानी पीने का मन बहुत करता है, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करेगा। आर्सेनिक एल्बम 36 पोटेंशियल में 2 ड्रॉप डायरेक्ट टांग पे ले सकते हो या तो पानी मिलाकर आप 2 से 3 बार पी सकते हो, आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों आते हैं उन पेशेंट में जिनको बहुत ज़्यादा प्रसाव लगता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको जाना होता है, उनके लिए बर्बरिस वल्गरिस बहुत अच्छा काम करेगा, या तो किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो बर्बरिस वल्गरिस बहुत अच्छा काम करता है। बर्बरिस वल्गरिस का मादा टिंचर 20 ड्रॉप थोड़ा पानी मिलाकर पी सकते हो दिन में 2 बार। इसके साथ साथ इसका पोटेंशियल मेडिसिन भी लाइए, मतलब इसका 30 पोटेंशियल में लेके आइए, 2 ड्रॉप डायरेक्ट टांग पे ले सकते हो दिन में 2 से 3 बार या 4 बार, आपको राहत देखने को मिलेगा। जिनको बहुत बार बार प्रसाव लगता था उनको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होगा, आपका किडनी फंक्शन भी धीरे धीरे ठीक होगा, साथ में आपका जो बॉडी साथ में आपको ब्लड में जो क्रिएटिनिन लेवल हाई हो चुका था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट करेगा। दोस्तों होम्योपैथी में एक बहुत अच्छा मेडिसिन है कैंथरिस 30 cc। जिनको प्रसाव करने के टाइम पर बहुत ज़्यादा जलन होता है, साथ में क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, उनके लिए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगा। इसका 2 ड्रॉप टांग पे ले सकते हो दिन में 2 से 3 बार 30 cc, आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप लाइकोपोडियम ले सकते हो 200 दिन में 1 बार या 2 बार, 3-4 दिन कंटिन्यू करिए फिर बंद कर दीजिए, देखिए आपका जो किडनी का प्रॉब्लम था ये धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ जो ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल हाई हो चुका था वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन मैंने बताया आप यूज़ कर सकते हो, इसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर के सजेशन लेके मेडिसिन यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल हाई से नॉर्मल करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारा मेडिसिन मिलता है जो कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सा मेडिसिन दिया जाए। तो बेटर है आप किसी डॉक्टर के सजेशन लेके यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।